फिलहाल तस्वीरों में जस्सी पेटवाड़ की वाइफ आपने नजर आऊंगी, देख सको हम माता आशीर्वाद देने लग रही है। लेकिन मेरे सवाल आज जो रहेंगे जस्सी पेटवाड़ ने लेकर शिल्पा जी तरह रहेंगे, और मैं आपके बीच में उस चुनाव के लिए आपके बेटे आपके भतीजे आपके पोते का लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ। चुनाव का यूँ नहीं है कोई जस्सी जी आपके लिए नया चेहरा है, जस्सी जी आपके बीच में पिछले 13 सालों से आपके बीच में आ रही है, एक खुली किताब है, ना कोई उनका राजनीतिक इतिहास की मैं नुकाद हूँ, फलाना MLA मंत्री के हम बेटा बेटी हैं या कोई हम जस्सी जी कुछ बने हुए हैं, आप उनके आपके काम करा रखे या कोई उस खूबी से आप जुड़े हुए हो। अगर जस्सी जी से आप जुड़े हुए हो तो सिर्फ आपके और उनके विचार मिलते गए, आपने सोचा हमारा बालक किसान का बालक आगे आवा, आप आशीर्वाद देते गए और जस्सी जी आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते अपना पूरा परिवार एक पूरा कुंबा बहुत बड़ा हो गया और पार्टी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। जो आपकी मांग थी बेटा टिकट ले आइए तो फिर हम आप देख लेंगे, वो टिकट आपका बेटा बहुत गोडे रगड़ कर आपके लिए ले आया जी, वो टिकट आज मैं आपकी जोड़ी निकाल रही हूँ, आपको संभालना चाहती नहीं। शिल्पा जी राम राम, बताओ कैसा फील हो रहा है आज गली गलिया में घूमने लाग रहे हो, जस्सी पेटवाड़ के लिए जब ब्याह होया जब सोचे थे कि यो दिन ब्याह होगा गाड़ा में घूमना पड़ेगा, ये मेरा सवाल ही शेर हो गया कभी पॉलिटिकल सवाल तो सीधे कर ले, लेकिन घर तक जुड़े और सवाल हम आपसे जरूर कराएंगे। देखो जस्सी जी का भी 13 साल का ही संघर्ष है, अरे मैं हमारी शादी ने 9 साल हो जाए, जब जस्सी जी ने भी घूमते 3 साल हुए थे, वो हमारा पहला कदम था, लेकिन ये जो परिवार प्यार आशीर्वाद हमें साथ समर्थन सहयोग मिलता गया और इतना फील की पूछा तो बहुत बहुत अच्छा फील होता। किस इलाका है? मेरा पट है कि भी अपने गांव में हूँ, अगमाज मलिकपुर मारी हूँ, कितना फर्क लगा? देखो ये हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये मेरा गांव है ये तेरा गांव है, क्योंकि ये तो पूरा नारनोंद परिवार एक ही गाँव है हमारे लिए। तो अच्छा इब जस्सी के बारे में हम कुछ सवाल करें, घर में कैसे है जस्सी पेटवाड़, उनका जनता ने लेकर हल्के ने लेकर क्या विचार है, क्योंकि घर की बात तो आप बताओगे, दिल की बात उनकी आप बढ़िया तरीके से बता पाओगे? दिल की और घर की तो रहने हो तो मैं बताऊं, सारा दिन मेरी चाची ताइयां के बीच में रहना है इमन्ने कौन बेरा मैं पाछा पाछा लायक लियो हूँ किसा थार दो रहा हो किसा मारा चढ़ जाइए ब्रा है फिर तू काम कराइए मारे जुबरा अंतर सारा दे रहे हैं। अच्छा उम्मीद है जस्सी का? उम्मीद है हमने, आ तू उम्मीद मत कर ये चाहिए पूरी अंगा लाइक में उम्मीद करा के हां सारे लाइक कर के सारे जन एक से हां एक पार्टी है एक पास से का हां ये और नेता थे वे को है वे में बात करूं बोले धोखा देगे जस्सी तो ऐसा नहीं लगता होगा ना हमने धोखा देनिया नहीं सर ना भरोसा हमने एक डिमांड थे हल्के की 2 मिनट एक डिमांड थे हल्के की बोले टिकट जस्सी ले दे जता हम देंगे तो वैसे वो नाम जस्सी जी का था, टिकट मिली है सर्वे के आधार पे सबको पता है, जब इस मेरे नारनोंद परिवार ने ये कहा कि टिकट जस्सी को देनी है, हम जिताऊ कैंडिडेट चाहते हैं, हम हमारे बीच में जो धरातल पे रहा उसको चाहते हैं, तो इनकी पुकार थी कांग्रेस पार्टी ने और ऊपर हाईकमान ने उसको देखा और वो टिकट दे दी। एक दो पॉलिटिकल सवाल और करूंगा, जस्सी पेटवाड़ को नहीं ना जस्सी आप तो भी पूछना चाहे क्योंकि आप भी वोट मांगना आए उनके लिए परिवार से मिलती है ना वोट मांगना है वोट के बिल करिए शिल्पा जी आपने जस्सी पेटवाड़ को वोट ये माताएं बहने क्यों देवे यो सवाल सबके मन में होगा एक यो सवाल इसी के खास बात जस्सी में है। अरे मेरे पूरे परिवार ने एक अपने किसान के बेटे पे एक गरीब परिवार के बेटे पे पूरी उम्मीद जता रखी है कि क्योंकि इन्होंने उनके विचार मिल गए इनको उनका व्यवहार पता चल गया, एक नेता था वोट मांगने पिछला चुनाव लगा लो 2019 में वोट मांगने आई थी, अब 2024 आ गया वोट मांगने आई, उनका व्यवहार पता चलता नहीं उनके विचार पता चलते नहीं, लेकिन एक तो भिजवाया दिया तुमने एक तो हल्का बदल गया दादा का तो हल्का बदलवा दिया चलो वो उनकी बात है, लेकिन जस्सी जी के विचार व्यवहार और उनको पता है इनका बेटा कैसा इनके बीच में रहता है तो इसलिए अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा दे दे। आप लगातार उनको 9 साल तक हल्के में घूमने लग रहे हो, कौन सी कमी आपने हल्के में लागे जो जस्सी पेटवाड़ ने बनते करानी चाहिए? एक तो मोस्टली बहुत ज्यादा पानी की कमी है, पानी की पीने के पानी की सप्लाई की भी और निकासी की भी, और रोजगार का तो भट्ठा बैठा ही रखा है इस सरकार ने, कमी तो गणी है गिनाई कौन जाओ, इन 10 साल राजमाए हो गए तो इन मन लागू इतने साल गणांदे लग जाएंगे, इनमें कमी है कमी छोड़ रखी सारी, एक नारनोंद हल्के का विकास हुआ ही नहीं। आप अपनी तरफ से पहला काम कौन सा कहोगे जस्सी पेटवाड़ ने कि जी आपने यो काम कराना सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले माता बहना की यह समस्या हमने दिखी है? सुरक्षा और शिक्षा, मेरी
क्योंकि मैं पिछले गांव से आई खेड़ी रोड से, बोली बेटी मारी बेटियां ने बस मैं जींद ना तो जींद की साइड बस जाती पूछ लेना और ना उधर। और बेट मैंने मेरी चाची ताइयों को कहा, चाची ताई उस टाइम पे तो आप इलेक्शन के विजन से आए भी नहीं थे उस अपनी पैदल यात्रा में, तभी जस्सी जी ने अपना एक उसमें संकल्प जोड़ के रखा था अपना बता के गए थे, जब भी कांग्रेस सरकार अपनी अब राज में आएगी 2024 में सबसे पहला काम अपना नारनोंदल के लिए अपनी बहनों के लिए और बेटियों के लिए फ्री बस सुविधा घर से लेके कॉलेज, फ्री बस सुविधा बिल्कुल। तो बहुत बड़ा ऐलान यो कर रहा है माता बहना के लिए, देखो ऐलान कोई भी कर दे लेकिन उम्मीद सबका बड़ा काम है यो। वो तो मैनिफेस्टो की है, वो तो उड़ा साहब का घोषणा पत्र, वो तो देखो मैनिफेस्टो चीजें है, लेकिन जस्सी क्या करेगा? मेरा सवाल सिर्फ यो है क्योंकि हमने टाइटल भी यो दिया है, जस्सी की पोल खोलेंगे। और फिलहाल देख सको माता तो बात कर लू भाई मंत्री बनाना चाहिए जीते बादशाह जस्सी। हाँ मंत्री बनावांगे। अच्छा सुन जाओ मिलकपुर के हो, मिलकपुर सब बत्ती हाला रहे 15 मिनट होली देख दे नंबरदार जी, एक बात बताओ मेरी बात सुन जाओ, जस्सी ने वोट क्यों दे, आप क्यों वोट मांगने लग रहे हो जस्सी खातर? मेरा तो सब तो ये सवाल है, नेता दे भी अखार तो वोट क्यों दे, तुम वोट मांगो थारे तो भी ये सवाल है, उस नेता ने वोट क्यों दे? जस्सी सब तो गरीब है भाई और सब तो शरीफ से भाई, समझ गया? और जस्सी जाली बात करती जस्सी, जस्सी ने भाई 5 साल हो गए सबसे ज्यादा मेहनत कर देने, एक कुंसे ने भी कौन कर रखी जो 5 साल हो गए योजना होगी 5 साल मतलब इतना। हाँ और मेल जाओ सब बड़का का मेल जाओ, एक मिनट खूब आओ जाओ सर। अच्छा और पूरा विचार मिल रहा है बड़का के। अच्छा मैंने एक चीज और सुनी है, नो तो है एक मिनट को नंबरदार जी, एक चीज और सुनी, सब जाने हैं, सब ने जाना है, नाम ते भी जाना है, गांव ते भी और वार्ड ते भी। हाँ हाँ सब जाना है, छोटे और बड़े। मैं तो पोती भी कल वोट मांग दी आंदा थी। अच्छा। किसकी वोट ले आओ? जस्सी की। हाँ दादी वोट कौन दी? मल्ला ही वोट ते वोट से उन्हें ज्ञान कौन था? कौन जीता? अच्छा कौन जीता बेटा? बता दे बेटा। जस्सी जस्सी छोटे छोटे हवा की सुती हो रही है। मियाँ बीबी ने दोनों ने इतनी मेहनत कर रखी है, अलक में तलक ने एक रोटी के बिना खाया करते नहीं खाया करते, नू के नू लेकर ले करते। फिलहाल वीडियो शेयर कर दे और तस्वीरों में शिल्पा जी, शिल्पा जी जाते जाते एक बार वोट की अपील लोग आते जरूर करो जस्सी जी के लिए। एक वोट की अपील तो मैं कहते पूरा परिवार करने लग रहा है सारे, मैं तो यही कह रही हूँ भाजपा को भगा दो, कांग्रेस को ले आओ, आपके किसान के बेटे गरीब के बेटे को नारनोंद विधानसभा का दरवाजा है किसान के बेटे के लिए, मंत्री पद मिल जाएगा जस्सी। अरे पहले ये मेहनत कर रहे हैं ये। चलो धन्यवाद शिल्पा जी, फिलहाल दो थारा के कुछ करना है कमेंट कर बता दियो, मिलकपुर गांव में फिलहाल लाइव आप लोग देखने लग रहे थे। राम राम, जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।